हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे देश की जानकारी देने वाले हैं जहां अगर एक बार रात हो गई तो दिन का कोई भरोसा नहीं रहता, और अगर दिन हो गया तो रात का कोई भरोसा नहीं होता, और जिस देश की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। तो दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम नॉर्वे देश की सैर कराने वाले हैं और नॉर्वे के बारे में रोचक जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नॉर्वे या नॉर्वे उत्तरी यूरोप का एक नॉर्डिक देश है। इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है क्योंकि यहाँ के उत्तरी भाग में गर्मी के मौसम में सूरज कभी अस्त नहीं होता। इस देश का दो तिहाई हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है और यह देश दुनिया के खुशहाल देशों में से एक भी है। नॉर्वे का औपचारिक नाम कोंगेरिकेट नॉर्गे है, जिसका अर्थ होता है नॉर्वे राज्य। नॉर्वे को मूल रूप से नॉर्डवे कहा जाता था। 1814 से 1905 तक नॉर्वे और स्वीडन एक ही देश थे, लेकिन 1905 में स्वीडन नॉर्वे से अलग हो गया और दोनों अलग देश बन गए। नॉर्वे देश काफी लंबा देश है। इसकी बॉर्डर की कुल लंबाई 2566 किलोमीटर है, जिसमें से 709 किलोमीटर सीमा फिनलैंड, 1666 किलोमीटर स्वीडन और 191 किलोमीटर रूस को छूती है। नॉर्वे देश का कुल क्षेत्रफल 385,207 वर्ग किलोमीटर है और इस देश की जनसंख्या 53,91,369 है। नॉर्वे देश की करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है। इस देश की राजधानी और इस देश का सबसे बड़ा शहर ओस्लो है। नॉर्वे देश में 1872 ईस्वी से राजशाही परंपरा चली आ रही है। 17 मई 1814 को नॉर्वे का संविधान बना था, तब से यह दिन नॉर्वे के नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। उत्तरी नॉर्वे में सर्दियों के मौसम में सूरज कभी नहीं निकलता है और वहाँ पोलर नाइट्स होती है, जबकि इसी एरिया में गर्मी के मौसम में सूरज कभी अस्त नहीं होता है। क्या आप जानते हैं, इस देश में लगभग हर व्यक्ति के पास अपना एक घर है और इस देश में बेरोजगारी ना के बराबर है। साल 2020 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे विश्व का 5वां सबसे खुशहाल देश है। क्या आपने किसी को गो टू हेल कहा है? अगर कहा है तो हो सकता है आपने उसे नॉर्वे जाने के लिए कहा हो, क्योंकि नॉर्वे में एक ऐसा शहर है जिसका नाम हेल है, जो कि अपने नाम की वजह से इस देश में काफी चर्चा में रहता है। नॉर्वे देश प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। इस देश में 50,000 से ज्यादा आइलैंड है। इस देश का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ व हरियाली से घिरा हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ 2000 मीटर से ऊंचे लगभग 300 पर्वत शिखर हैं। इस देश में इतनी झीलें हैं जितनी तो कई देशों की जनसंख्या ही नहीं है। इस देश में 4.5 लाख से भी ज्यादा झील हैं। इस देश की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ हर 12वें व्यक्ति के लिए एक झील है। नॉर्वे देश की लायरदल टनल दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल है। करीब 25 किलोमीटर लंबी यह टनल राजधानी ओस्लो को बर्गेन शहर से जोड़ती है। नॉर्वे के जोड़ पूरी दुनिया में फेमस है। जोड़ खड़ी चट्टानों के बीच लंबा समुद्री मार्ग होता है और हर साल पूरी दुनिया के पर्यटक यहाँ के नज़ारे देखने आते हैं। नॉर्वे देश में लगभग 1000 से भी ज़्यादा जोड़ हैं, जो विश्व में सबसे ज़्यादा है। यदि आप नॉर्वे में किसी व्यक्ति या कंपनी की इनकम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उनके आयकर रिटर्न को देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्वे में सभी नागरिकों के टैक्स रिटर्न वेबसाइट में पब्लिक किए जाते हैं। नॉर्वे में पुरुषों के दो नाम सबसे ज़्यादा कॉमन हैं, ओड और इवन। यहाँ के पुरुषों के दो सबसे कॉमन नाम हैं। क्या आप जानते हैं, इक्सन टनल नॉर्वे की सबसे गहरी अंडरसी टनल है। 7,776 मीटर लंबी यह अंडरसी टनल नॉर्वे के उत्तर पश्चिमी तट पर बनी है। बोकना जोड़ टनल के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे गहरी अंडरसी टनल है। नॉर्वे के लोग दुनिया के अन्य देशों के लोगों के मुकाबले पढ़ने के काफी शौकीन होते हैं। यहाँ के लोग एक साल में तकरीबन $76 बुक्स पर खर्च कर देते हैं। नॉर्वे में सालाना 2000 से भी ज़्यादा किताबें पब्लिश की जाती है। जब भी नॉर्वे में कोई बुक पब्लिश होती है तो सरकार उसकी 1000 कॉपियां खरीद लेती है और इसे देश की लाइब्रेरी में बांट देती है, ताकि लोगों को बिना पैसा खर्च किए उन किताबों को पढ़ने का मौका मिल सके। क्या आप जानते हैं, नॉर्वे में मौत की सज़ा नहीं दी जाती है। यहाँ 1979 में डेथ पेनल्टी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। इस देश की जेल भी पूरी दुनिया की जेलों से हटकर है, क्योंकि इस देश की जेलों में कैदियों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हेल्डन जेल को दुनिया की सबसे दयालु जेल का दर्जा प्राप्त है। इस जेल में कैदियों को होटल जैसी सुविधाएं मिलती है। यहाँ कैदियों को वीडियो गेम, टीवी,
और जिम की सुविधाएं दी जाती है। इस जेल का मकसद कैदियों को एक बेहतर इंसान बनाना है। नॉर्वे देश में कई तरह के टैक्स की भरमार है। यहाँ के लोगों को टीवी पर टैक्स, ईंधन पर टैक्स, प्लास्टिक की बोतल पर टैक्स, चीनी पर टैक्स आदि कई तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। नॉर्वे देश में टेलीविजन रखने पर एक साल के $480 लाइसेंस फी चुकानी पड़ती है। नॉर्वे देश दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने FM रेडियो बंद किया है। साल 2017 से नॉर्वे में FM बंद है। इसकी जगह यहाँ पर डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। नॉर्वे के लोग खाने के भी काफ़ी शौकीन होते हैं। नॉर्वे अपने ग्रैंडियोसा फ्रोजन पिज्ज़ा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यह नॉर्वे में सबसे ज़्यादा बिकने वाला पिज्ज़ा ब्रांड है और यह नॉर्वे की अनाधिकारिक राष्ट्रीय डिश भी है। कुछ अनुमानों के अनुसार नॉर्वे में हर साल ग्रैंडियोसा फ्रोजन पिज्ज़ा की 24 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया जाता है। नॉर्वे में बिकने वाली सभी नई कारों में से आधी हाइब्रिड या फिर इलेक्ट्रिक कारें हैं। नॉर्वे में साल 2011 से बटर का क्राइसिस चल रहा है। इस देश में 250 ग्राम बटर की कीमत लगभग $50 है। नॉर्वे देश के लोगों को कॉफ़ी पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यही कारण है कि फिनलैंड के बाद नॉर्वे में प्रति व्यक्ति कॉफ़ी की खपत बहुत ज़्यादा है। यहाँ हर व्यक्ति साल भर में लगभग 10 केजी कॉफ़ी पी लेता है। नॉर्वे देश कई तरह की प्राकृतिक सुंदरता होने के साथ ही दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को पूरे साल अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ऊंचे पहाड़ों और झीलों से घिरे हुए देश नॉर्वे के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नॉर्वे के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और देश की रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।